हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन इहाना पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे बड़े किले चित्तौड़गढ़ के बारे में, जो कि राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण धरोहर है। चित्तौड़गढ़ किला करीब 1400 साल पहले 7वीं सदी में बनाया गया था। जब आप चित्तौड़गढ़ किले पर जाते हैं तो किले में पहले आपको कुल 7 द्वारों से होकर गुजरना होगा। रास्ते में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अभी भी चित्तौड़गढ़ की इस पहाड़ी पर रहते हैं। टॉप पर पहुंचने के बाद किले के मेन अट्रैक्शंस पर जाने से पहले आपको एक टिकट खरीदना होगा, जो कि एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ और किड्स के लिए 25 रुपीज़ का है। और हाँ, अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आपको कार के लिए 35 रुपीज़ का एक अलग से टिकट परचेज करना होगा। लेकिन इसके साथ आप अपनी कार को किले के अंदर जो भी पार्किंग्स हैं उसमें आप अपनी कार को फ्री में पार्क कर सकते हैं। ऊपर पहुंचकर हम सबसे पहले मीरा मंदिर गए, जो धार्मिक नज़रिए से इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बेहद प्राचीन और ब्यूटीफुल इंडियन आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मीराबाई मंदिर के लिए माना जाता है कि ये वही मंदिर है जहाँ मीराबाई श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। कुंभ श्याम मंदिर और मीराबाई मंदिर एक ही प्रमाइसिस में है और ये प्रमाइसिस बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस प्रमाइसिस के एंट्री गेट पर भगवान गरुड़ की एक काले रंग की मूर्ति है और यहाँ से जब आप लेफ्ट जाएंगे तो आप मीराबाई मंदिर पहुँच जाएंगे। चित्तौड़गढ़ किले की एक स्पेशलिटी है कि आप अपने व्हीकल से ही रोड रूट के थ्रू करीब करीब सभी प्लेसेस पे इजीली जा सकते हैं। तो लगभग आधा किलोमीटर दूर मीराबाई मंदिर के बाद हम विजय स्तंभ पहुँचते हैं और विजय स्तंभ के जो कंप्लीट प्रेमाइसेस है उसमें और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जो चित्तौड़गढ़ किले में काफ़ी फेमस है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही फेमस और बहुत ऊँचा एक स्तंभ है। इसका निर्माण करीब 600 साल पहले मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने अपनी युद्ध विजय के स्मारक के रूप में करवाया था। विजय स्तंभ करीब करीब 122 फीट ऊंचा है और टोटल 9 मंजिल है इसके अंदर, और इसमें ऊपर जाने तक करीब करीब 157 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती है, लेकिन अभी फिलहाल सेफ्टी रीजंस की वजह से वो रास्ता बंद है। तो अगर आप बारिश के मौसम में अपनी चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा करना चाह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये मौसम बहुत ही एक परफेक्ट मौसम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट को विजिट करने का, क्योंकि इस टाइम पे आपको चित्तौड़गढ़ किले के चारों तरफ बहुत ही लश ग्रीनरी दिखाई देगी और उस ग्रीनरी के बीच में जब आप जो एंशंट इंडियन आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी सारे पुराने मंदिर हैं उनको देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। तो विजय स्तंभ के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सुंदर मंदिर तक पहुंचते हैं। ये मंदिर भी एक अद्भुत भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। इस मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ सीढ़ियां हैं जो गौरी कुंड की तरफ जा रही हैं और इस लोकेशन से आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ सिटी का जो नज़ारा आप देख सकते हैं वो एक्चुअली वर्ड्स में बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता। इस विजय स्तंभ का जो परिसर है, जो पूरा का पूरा प्रेमाइसिस है, उसी में आपको जौहर स्थल भी दिखाई देगा। रियलिटी में जहाँ जौहर कुंड हुआ था वो इस किले में ही एक डिफरेंट लोकेशन पर हुआ था, जो कुछ टाइम पहले तक हम जो विजिटर्स हैं उसको देख भी सकते थे, लेकिन अभी कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से उसे बंद कर दिया गया है। फिर विजय स्तंभ के बाद हम कालिका मंदिर पहुँचे, जो विजय स्तंभ से लगभग लगभग 1 किलोमीटर दूर है और इस किले के अंदर जो भी बड़े बड़े और जो फेमस मंदिर हैं उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंदिर है कालिका माता मंदिर। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पद्मिनी महल पहुँचे, जिसके लिए कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पे रानी पद्मावती ने अपनी एक झलक दिखाने की इजाज़त दी थी अलाउद्दीन खिलजी को। वहाँ नीचे आप एक छोटा सा महल देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती वहाँ खड़ी थी और वहाँ से उनका रिफ्लेक्शन पानी में आया और पानी में उस रिफ्लेक्शन को अलाउद्दीन खिलजी को एक मिरर के थ्रू दिखाया गया था। उसके बाद हम कीर्ति स्तंभ गए। भारत के इस विशाल दुर्ग परिसर में बना 22 मीटर ऊंचा कीर्ति स्तंभ है ये, और इस किले की सुंदरता को ये कीर्ति स्तंभ भी बहुत ही खूबसूरती से बढ़ा रहा है। फिर एंड में हम राणा कुंभा महल गए,
राजपूतों के अदम्य साहस का प्रतीक माने जाने वाले इस विशाल चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के परिसर में बना राणा कुंभा महल भी इस किले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो अगर आपके मन में चित्तौड़गढ़ फोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।